की आवाज। आज हम बात करेंगे बहुत जरूरी टॉपिक पे। उससे पहले मैं शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि मैं आखिरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन के ऊपर। मैं आपने पहले से बहुत कुछ सुना होगा डिप्रेशन के बारे में, पर आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ ये डिप्रेशन का टॉपिक आज, क्योंकि आज कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण बहुत लोगों की नौकरी जा चुकी है, बहुत लोग बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हैं, नौकरी नहीं है, बहुत सारे लोन होंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल होंगे, उनका आज तकलीफ इतना होगा कि आज वो डिप्रेशन के एक कहीं ना कहीं डिप्रेशन अपने दिमाग में, अपने लाइफ में झेल रहे हों। तो आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और इस पर बात होना चाहिए। तो मैं आज आपको उसका कुछ सलूशन और उसके ऊपर कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जो रियल फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकल बेस होगा। सो आज हमारा हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। जो डिप्रेशन है सिर्फ बीमारी नहीं है दिमाग का, ये बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल तीनों बेस पे होता है। जिस पे अगर मैं कहूँ कि डिप्रेशन जब होता है तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है किसी चीज़ के लिए। वो इसलिए होता है क्योंकि आप उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने आप से होप लूज कर देते हैं। मैं ये चीज़ कहूँगा आप सबको कि अब हमें होप लूज नहीं करना, हमें हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, हमें लड़ना है, तब जाके हम कुछ इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपका मूड ऑफ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों से बात करिए, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, किसी के साथ अपना फीलिंग शेयर करिए। और मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता आप डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपके दोस्त या आपके कोई रिलेटिव डिप्रेशन में, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर वो किसी मुसीबत में है, तो वो कहीं ना कहीं वो किसी डिप्रेशन के शिकार में कहीं ना कहीं वो फंस रहा है। तो अगर आपको कोई मुसीबत में दिख रहा है, आपको लग रहा है कि वो सैड है, दुखी है, या वो कुछ चीज़ हार चुका है, वो चीज़ उसको नहीं मिल रहा है, तो आप उससे बात करिए। आप उसको इग्नोर मत करिए, आप उससे बात करिए, उसके साथ शेयर करिए, उससे अच्छा फील कराइए, उसे मोटिवेट करिए, जिस कारण उसका डिप्रेशन लेवल थोड़ा सा कम हो और वो पॉजिटिविटी में ज़्यादा जाए। डिप्रेशन हमें आता क्यों है? क्योंकि हम बहुत नेगेटिव माइंड में थॉट्स करने लगते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, तब हमारे पास डिप्रेशन का बहुत सारा, बोलते ना, कीड़े घूमने शुरू हो जाते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊँ कि जब डिप्रेशन होता है, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे कहीं ना कहीं हमारे न्यूरल जो सर्किट होता है ब्रेन में, उस पे से इफेक्ट होता है, जिस कारण हमें बहुत सारे गलत और नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं, जैसे कि सुसाइड कर देना, या खुद को हार्म करना, या अकेला चुपचाप रहना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अलग ही स्टेज में पहुँच जाते हैं। अगर मैं आपको ग्लोबली बताऊं एक आंकड़ा, तो आप सुन के हैरान हो जाइए। अगर ग्लोबली 264 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं सारे उम्र के लोगों में डिप्रेशन से हर साल, सोचिए 264 मिलियन पूरे दुनिया से हर उम्र के लोग अफेक्ट होते हैं, सिर्फ डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। अगर मैं उस पर लेवल बताऊं, उसके तीन लेवल होते हैं, लो, मीडियम और सीवियर। अगर उसको डॉक्टर के टर्मोलॉजी में लेके जाऊं, तो मैं उसको आपको बताता हूं, उसे बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड जो होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता उसका, हम वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। तो इज लाइक कि एग्जाम्पल आपको मैं दे दूँ कि आपको कुछ कुछ आपके साथ बहस हुआ है किसी का ऑफिस में, और आप बहुत सैड हो गए हो, या आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप थोड़ा सा डिप्रेस हो चुके हो, लेकिन वो पहले ना से थोड़ी देर के लिए रहता कि आगे उसके बाद, क्योंकि आपको कोई ना कोई मोटिवेट कर देता, आपके दोस्त होते हैं, या आप खुद को कुछ संभाल लेते हैं। लेकिन जो कुछ मॉडरेट होता है, जो थोड़े लंबे समय तक चलता है, या जो सीवियर होता है, सीवियर तो बहुत ज़्यादा ही सीवियर होता है, क्योंकि उसमें इंसान सुसाइड करने तक चला जाता है। तो आपको मैं अगर बताऊँ, एवरेज 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं पूरे दुनिया
दुनिया से हर साल, और उसका एज बिटवीन होता है 18 से लेके 29 ईयर्स, 29 साल तक के लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। इसके अंडर के एज में जो लोग होते हैं 800,000 पूरी दुनिया से सुसाइड करते हैं। बड़ा है ना आंकड़ा, मेरे को भी जब देखा तो मेरे को भी वही लगा। तो हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना है इस केस में। सो अगर मैं इसमें बताऊं, जिसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं 76-85% जो मिडिल, जिनका लो इनकम होता है, जो समझ लीजिए आप जिनकी सैलरी बहुत कम है, वो होते हैं 76-85% लोग होते हैं जो अपना डिप्रेशन का इलाज नहीं करा सकते। सोचिए 76-85% लोग अपना डिप्रेशन का इलाज नहीं करा सकते, वो भी अर्बन शहर में। मैं बोल रहा हूँ, मैं दोस्तों अर्बन शहर की बात कर रहा हूँ, मैं विलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्बन शहर में इतने 85% तक लोग अपने इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था नहीं होती है। वो डरते हैं कहीं ना कहीं कि जब वो इलाज कराने जाएंगे लोग कहेंगे कि वो पागल हो गया है। उसको लोग पहले ही डिसाइड कर देंगे कि वो पागल है, और उस कारण वो अपना इलाज करवा नहीं पाता है, करवाना नहीं चाहता है। और दूसरा उसके पास एक सोच होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना इलाज करवा पाए। सो अब एक और चीज़ मैं चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊँगा आपको, जो है बच्चों के ऊपर। जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 25.1% जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और उनका उम्र होता है 13 से 18 साल की उम्र। इतने कम उम्र में बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत उनका उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं होता उनके ब्रेन का, उनकी सोच का। सो उनपे ना पढ़ाई का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, हर एक का प्रेशर है ना उनके ऊपर गिर जाता है, एक तरीके से बर्डन बन जाता है, सिर्फ बैगों में नहीं पर दिमागों में भी। तो उनको हर चीज़ का ना डर सा अंदर बहुत बच्चों को रहता है, जिस कारण वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और WHO के हिसाब से मैं बताऊँ तो 75% लोग आज भी नहीं इलाज करवा पाते, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन उसके कारण 1 मिलियन लोग हर साल मर जाते हैं, सुसाइड करते हैं या कुछ भी जो भी है उनका, लेकिन वो एक मिलियन लोग अपनी जान खो देते हैं पूरे एक साल में, जो क्योंकि वो इलाज नहीं करा सकते हैं। ये WHO के हिसाब से है। और उसकी जबाद में अगर आपको बताऊं जो उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट उसका ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि आप मेडिसिन ले सकते हैं, थेरेपी करवा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और उसका कोई अल्टरनेटिव है तो फिर आप अपने दोस्तों से बात करिए, लोगों से घुलिए मिलिए, उनके साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए। ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है जो मेडिकल टर्म में है। अगर मैं आपको एक और लेकर जाऊँ, जैसे कि हमारे जो ज्योतिषियों में लिखा हुआ है, हमारे शरीर में 5 इंद्रियाँ होते हैं, जैसे कि आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि। वैसे सब जो चीज़ होते हैं वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देता है, जिससे आप अपने डिप्रेशन लेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट में बदल सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपको है ना इंडिया के कुछ आंकड़े बताने वाला हूँ, थोड़े से पुराने आउटडेटेड है, लेकिन आपको उससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि आउटडेटेड होने के बाद भी आंकड़े कुछ कम नहीं हुए होंगे, आंकड़े हम बड़े ही होंगे। तो आंकड़े कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको मैं 2012 का एक एवरेज बताता हूँ, जिसमें लोग डिप्रेशन के कारण मरे हैं सिर्फ भारत के देश में 1,35,445 लोग एक साल 2012 में मर गए, मतलब उनकी जान चली गई है सिर्फ डिप्रेशन के कारण। अगर आपको एवरेज बताऊंगा तो 371 डेली मरे हैं डिप्रेशन के कारण, उनकी जान गई है। बड़ा आंकड़ा है भारत के लिए। और जैसे WHO ने कहा है कि हमारे इंडिया में हो या कहीं पे भी बाहर के देश में भी, पूरा ग्लोबली हर 5 लोगों में एक डिप्रेशन का शिकार बनता है। सुन के हैरान हो गए होंगे, मुझे भी पता है, हर 5 में एक इंसान डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। मैं आपको 2015 का नंबर बताऊंगा, आपको पूरा विश्वास नहीं होगा, पर आप ये रिसर्च कर सकते हैं, आपको इसका नंबर मिल जाएगा। सो ये नंबर है कुछ ऐसा है, 5,66,76,000
75,969 पीपल लोगों की 2015 में डिप्रेशन के शिकार हुए, जो मैं आपको बताऊंगा तो 4.5% हमारे भारत का पूरा पॉपुलेशन। सो इतने लोग डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, आप सोचिए। और उसी इसमें अगर मैं लेके जाऊं, अगर मैं आपको लेके जाऊं कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जो हम आजकल अपने पैसे कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में काम करते हैं, तो अगर मैं आपको कंपनियों के हिसाब से लेके जाऊंगा कॉरपोरेट वर्ल्ड में, तो आपको वहां पे भी कुछ आसान नंबर नहीं मिलने वाला। वहां पे 42.5% एम्प्लॉयज डिप्रेशन के शिकार होते हैं हर साल। सोचिए 42.5% एम्प्लॉयज हर साल डिप्रेशन के शिकार। आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि 2008 से लेके 2015 तक 40-50% का इंक्रीज देखा गया है डिप्रेशन के शिकार हुए लोगों में, जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट 36% मेजर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और आपको मैं बता चुका हूँ मेजर डिप्रेशन मतलब सीवियर डिप्रेशन का जो लेवल होता है वो है। और उस लेवल में जब कोई आ जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो सुसाइड या कुछ भी चीज़ करने का उसके दिमाग में आ जाता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से को ख़त्म कर देना चाहता है। वो हर एक दर्द से, हर एक चीज़ों से भागना चाहता है। तो हमें यहाँ से भागना नहीं है, हमें लड़ना है। और हमें आना इस डिप्रेशन को, जो डिप्रेशन की बीमारी है उससे उसको भगाना है। डिप्रेशन की बीमारी कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे शुगर का है कि उसे हम मिटा नहीं सकते, डिप्रेशन भी मिटा नहीं सकते, लेकिन उसे कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें वो चीज़ में फोकस करना है कि जिससे वो कम हो जाए और या हम उसे मिटा सकें। 100% तो नहीं होता है। तो एक और चीज़ है, जो डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं उसमें से एक सबसे मेजर पॉइंट एक इसका भी आता है, जो है 38.5% लोग जो ठीक से सो नहीं पाते हैं, लाइक जो कम नींद लेते हैं, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हैरानी हुई ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सोया करिए थोड़ा अच्छे से, अच्छी नींद लिया कीजिए, जिस कारण आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा और आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी भरेगी, जिस कारण आप डिप्रेशन के शिकार थोड़ा सा कम होंगे। और आपको अगर मैं बता दूँ कि एक दो एज के लिए एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, जो पहला एज का जो होता है जिसमें जो 30 मतलब आप समझिए 35-44+ जो लोग होते हैं, एज के जो लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। जो सोच लीजिए कि इतने जो एज का लेवल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है, फर्स्ट लेवल पे होता है। और वो ये हमारे भारत का आंकड़ा है। और जो दूसरे लेवल पे आते हैं वो है 18-29 लोग जो डिप्रेशन के उम्र के जो होते हैं, वो डिप्रेशन के लेवल के शिकार होते हैं। ये दूसरे नंबर पे आता है। सो ये सब के बाद में आपको मैंने कहा था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो 5 इंद्रियां हैं उससे हम कैसे अपने आप के डिप्रेशन को थोड़ा सा लेवल कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला है वाटर। हम वाटर को देखिए, आप जब नहा के निकलते हैं तो जब, क्योंकि हमारा शरीर में 76% वाटर होता है, 70-76% वाटर है हमारे शरीर में, तो हमारा एक पार्ट ऑफ वाटर हमारा शरीर है। सो जैसे आप नहा के निकलते हैं या पानी पीते हैं तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो पानी जब भी आपको, अब डेली नहाया कीजिए, डेली आप पानी के साथ पानी को देखा कीजिए, इंजॉय किया कीजिए वाटर के साथ, जिस कारण आपका डिप्रेशन लेवल थोड़ा सा कम होगा। अब मैं जैसे लेके जाता हूँ आकाश, तो हवा में जो बात है, तो आप फ्रेश एयर लीजिए, एनवायरमेंट में जाइए, बाहर घूमिए, वॉक करिए। और दूसरी चीज़, आप गाना सुनिए, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, जिस कारण जो पॉजिटिव सॉन्ग है काफ़ी, जो जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगता हो, वो अच्छा फील करता हो, अब वो सुनिए, जिस कारण आपको काफ़ी अच्छा फील हो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। और तीसरा मैं आपको लेके जाऊंगा अग्नि, फायर। सो फायर कैसा, फायर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जैसे कि अगर ठंडी का मौसम है तो हमारा शरीर काफ़ी हमें गर्मी चाहिए होता है, तो आप सन के पास जाइए, आप सन बात लीजिए थोड़ा सा, या कहीं पे भी दिया जला लीजिए, या
कैंप फायर करिए कुछ कहीं पे भी, और खुद को वो गर्मी फील करे भाई जी, क्योंकि हमारे शरीर को भी वो हीट की ज़रूरत है। और मतलब चौथा है इज लाइक कि दूसरा मतलब नेक्स्ट है धरती। तो धरती के लिए इज लाइक जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हैं, जैसे ही वो कीचड़ में खेलता है तो कितना खुश होता है, तो वैसे ही आप थोड़ा ज़मीन के साथ ज़्यादा टच रहिए, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया था वॉक करने पे वॉक करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और काफ़ी हो सके तो खाली पैर चलिए। जैसे आपका एक्वापंचर आपका जो पैरों से जो वेंस होता है, जैसे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छे से हो और आपको काफ़ी अच्छा फील हो, तो इसमें आपको योगा करिए, हेल्दी डाइट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी डाइट, क्योंकि आपका खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है आपके डिप्रेशन लेवल को कम करने के लिए। आपका हेल्दी डाइट होना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, और जैसे हो सके वैसे अपना सारे प्रॉब्लम्स जो भी आता है आप शेयर करिए अपने अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, और अगर लगे आपको नहीं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं तो आप किसी कंसल्ट डॉक्टर के साथ मिलिए, उनके साथ शेयर करिए और वो आपको सही डायरेक्शन बताएंगे। हर एक चीज़ का मेडिसिन नहीं होता है, जो सीवियर होता है जो मॉडरेट होता है उनके जो लेवल ऑफ ये होता है कि वो किस चीज़ के कारण डिप्रेशन में है, उस बेसिस पे उनका उनको मेडिसिन दिया जाता है या उनकी ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे हमें मेडिसिन के भरोसे पे नहीं, लेकिन हमें अपने आप से अपने आप को संभाल कर और लोगों की मदद से हम खुद को ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत नहीं। सो जैसे मैंने आपको कहा था अब हम ख़त्म कर रहे हैं, उससे उसके बाद मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ जो सारे नंबर्स हैं, काफ़ी रियल फैक्ट्स दिखाने वाला हूँ जो आप खुद देख सकते हैं, जिसमें WHO के और काफ़ी सोर्स के वहाँ पे फैक्ट्स रखे हैं, तो आप देखिए। और इसके साथ मैं आपके साथ धन्यवाद करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके साथ काफ़ी न्यू और काफ़ी और भी टॉपिक्स पे आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ रियल फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।